26 जनवरी की सुबह पूरा देश उल्लास से भरा था, पर 8:50 पर एक ऐसा जलजला आया कि गुजरात में भुज और उसके आसपास के सभी शहर पूरी तरह से तबाह हो गए। भारत का सबसे विनाशकारी भूकंप आया और पल भर में इन क्षेत्रों की पूरी तस्वीर ही बदल गई। भारतीय मौसम विभाग द्वारा अपनाई जाने वाली तकनीक के अनुसार रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.9 आंकी गई। इस तीव्र झटके वाले भूकंप से हजारों मरे और लाखों घायल हुए। पर इस बीच एक ऐसा मुद्दा उछला जो चौंकाने वाला दिख रहा है। कुछ समाचार पत्रों ने यह प्रकाशित किया कि इस भूकंप की तीव्रता 7.9 थी और इसका आधार बनाया गया यूएस सिस्मोलॉजिकल डिपार्टमेंट की सैटेलाइट बेस्ड गणना। रिक्टर स्केल केवल 310 मील या 500 किलोमीटर के क्षेत्र में ही भूकंप की तीव्रता का एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकता है, क्योंकि इसकी क्षमता इतनी ही होती है। भारतीय मौसम विभाग की भूकंप की जांच करने वाली संस्था गुजरात और उसके आसपास मौजूद है, इसलिए इस बार भूकंप की तत्काल प्रामाणिक तीव्रता मापी जा सकी। अन्य देशों की ऑब्जर्वेटरीज के पास जो उपकरण है वे केवल भूमि की सतह पर ही कंपन की माप करते हैं। ऐसा महसूस किया गया है रिक्टर स्केल और सरफेस वेव मेजरमेंट अर्थक्वेक के समय आने वाले कंपन की माप बिल्कुल अलग करते हैं। डिजास्टर कुड हैव बीन एट लीस्ट कंटेंड, इट कुड नॉट हैव बीन अवॉइडेड, बट इट वुड हैव बीन लेस इफेक्टिव इफ सम ऑफ द मिनिमम प्रिकॉशंस हैड बीन टेकन। But we Indians believe in living on probabilities, and I believe that most of them took a chance. अलग-अलग तरह की विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान के लिए सूचना तकनीक ने अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, पर भूकंप के लिए अभी कुछ खास उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकी है। अन्य देशों में तो अनेक प्रकार के रिसर्च वर्क भी चल रहे हैं, पर हमारे देश में अभी और प्रयास की जरूरत है। हाँ, संचार व्यवस्था के क्षेत्र में तेज गति से प्रगति के कारण गुजरात की भूकंप में कुछ सहूलियत जरूर मिली है। Our NIC center re-established all kinds of contact by 30th January. Though MIT can feel proud of that, we were first to establish video conferencing between Ahmedabad and Bhuj as was needed by the state government. Our earnet communication was not disturbed, but this is not enough.